प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, मगर इसमें जब दरार पड़ जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसा ही कल्याण फाटा से एक मामला सामने आया है, जहां अपने शौहर से अलग रह रही दो बीवियों ने अपने शौहर शान मोहम्मद पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं शान मोहम्मद ने दोनों बीवियों पर भी आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में हमने शान मोहम्मद और उनकी दोनों बीवियों से भी बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे। शान मोहम्मद की दोनों बीवियां शान मोहम्मद के एक रिश्तेदार यानी कि उनके चाचा के साथ रह रही हैं। वहीं शान मोहम्मद की बीवियों ने बताया कि अब तक शान मोहम्मद ने 5 शादी किया है। छुप छुपा कर ये शादी करता है, जब बच्चे हो जाते हैं फिर बात सामने आती है। वहीं शान मोहम्मद ने बताया कि ये प्रॉपर्टी विवाद है। कहा कि उसका रूम दुकान पहली बीवी के नाम उसके चाचा ने ज़बरदस्ती करवा दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शान मोहम्मद ने खुद 3 शादी की बात कबूली है और शान मोहम्मद की पहली शादी 2006 में खुर्शीदा के साथ हुई थी, जिससे इसके 4 बच्चे हैं। दूसरी शादी आरफा से 2019 में की, जिससे इसका एक लड़का है। और तीसरी शादी 2020 में मारिया नाम की महिला से की, जो गांव में है और वो भी प्रेग्नेंट है। दो बीवियां खुर्शीदा और आरफा ज़्यादातर शान मोहम्मद के चचा के घर कल्याण फाटा पर ज़्यादातर यहीं पर वो रहती हैं। वही शान मोहम्मद की दूसरी पत्नी आरफा और उसके चाचा के लड़के शाहिद से चक्कर चलने का आरोप शान मोहम्मद लगा रहा है और साथ में ही और इसने मारपीट और धमकी की बात भी बताई है। मगर शान मोहम्मद की दोनों बीवियां खुर्शीदा और आरफा दोनों शान मोहम्मद को गलत बता रही हैं। उनका कहना है कि धोखे से शादी की और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं। इसने बीच सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और इस अनजान शहर में उनके शौहर के चाचा ने उन्हें सहारा दिया, मगर शान मोहम्मद ने उन पर आरोप लगा दिया है। सुनिए क्या कुछ शान मोहम्मद कह रहा है। मेरा नाम है शान मोहम्मद साबिक अली और मेरी है वाइफ का मैटर है, और जो भी है मेरा आज घर का मैटर है, प्रॉपर्टी जगह जमीन की गांव का है। मेरा चाचा उसमें करके मेरी राजनीति साजिश कर रहा है मेरे फंसाने के लिए, और ऐसा ऐसा करके वो कर रहा है। और मैंने पहली शादी मेरे हुआ है 2006 में, तो मेरा अभी 2006 में मैं इधर कल्याण फाटा मेरे चाचा लोग रहने आया है। मेरी पहली बीवी को मिला के इन लोग मेरे से झगड़ा बहुत कराने लगे, मारपीट कराने लगे। तो मैं गुस्से में दूसरी शादी किया 2018 में शादी किया हूँ। तो मैं फिर मेरा दो एक रूम था एक दुकान था, मेरा चाचा जबरदस्ती करके मेरी पहली बीवी के नाम करवा दिया। तब वो रूम मेरे को रहने नहीं देता। फिर मैंने एक साल हुआ एक फ्लैट फिर लिखाया, मैंने लिया मैंने तो रूम मेरा है, उसमें ताला मरवा के पहली बीवी को भेज दिया है। अब दूसरी बीवी को एक कर दिया है, दोनों बीवी को एक साथ मिला के इन लोग मेरे ऊपर दोनों बीवी मिल के साजिश कर रहा है मुझे मारने की। और मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ है मेरी। और पहली बीवी जो दूसरी बीवी है, रमज़ान के महीने से 8 महीना हो गया मैं उसके पास गया भी नहीं हूँ। और मेरा चाचा का लड़का शाहिद मुमताज खान है, मैं उसको सिमली नगर में 2 बार देखा आते जाते मेरे रूम के पास से, मैं वहाँ रहता नहीं था, ऐसा ऐसा करता था। फिर मैं अपनी औरत के मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुना, फिर मैंने उसको पकड़ा तो मेरी औरत ने मोबाइल उसको तोड़ डाली। फिर उसने क्या बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं खुद के घर में रहूँगी। मैं उसको कल्याण फाटा पे ले जाके वहाँ रखा, वहाँ रखने के पूरी बीवी को आपने पकड़ा था। हाँ, मैंने वो बात करते हुए मोबाइल में मैंने पकड़ा, तो जब मैंने सुना तो उसने मोबाइल तोड़ डाली। फिर उसको मैंने कल्याण फाटा रूम पे लाके यहाँ रख दिया। चाचा बोलता तेरे दोनों बीवी को मैं 4 साल बैठा के खिलाऊंगा। तो मैं बोला मेरी बीवी है तो तू क्यों, मैं कल्याण फाटा ही पे रहता हूँ। हाँ, तो फिर मैं बोला मेरी बीवी है तुम क्यों खिलाओगे, वो मेरे फैमिली मैटर है, हम समझेंगे, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। तो उन्हें मेरे शाहिद ने वो करके फिर मेरे को मेरी बीवी से करके मैं गांव चला गया। मेरी माँ कहना है कि आप 5 शादी किए। नहीं, ये सब सरासर झूठ है, मैं 3 शादी किया हूँ, 3 शादी किया, तीसरी बीवी गाँव में। हाँ, बच्चे तीनों से। हाँ, पहली बीवी के 4 बच्चे, 3 बेटा एक लड़की है, और दूसरी बीवी के एक लड़का है, और तीसरी बीवी जो है प्रेगनेंट है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप उन लोगों को खर्चा पानी नहीं देते। मैं सब खर्चा देता हूँ, मैं सब चीज़। आप मेरे वहाँ पे मैं दूध का डेयरी पे वहाँ खाता चलता है, जाकर वहाँ पे पूछिए, वो 5-4 साल से
दूध चलता खाता पे। कपड़े नहीं है, राशन पानी सब कपड़े पूरे एकदम अटैची पूरे भरे है। आपको क्या बताए, उन लोग मेरे को झूठा साचा कहने थे, पूरे इल्जाम मुझे लगा रहे हैं। मेरी दूसरी वाइफ नीचे पकड़ के मेरा शर्ट फाड़ डाली। मैं बोला ये क्या कर रही, घर पे गई उसके साहित्य कहने से ये सब करी। मेरी मैं जैसे घर में गया मेरी मोबाइल छीन के उसने लेके भाग गई। उस मोबाइल में मेरा साहित्य के साथ जो वीडियो मैंने उसको बनाया था वो वीडियो मिली, उसकी चक्कर में मेरी मोबाइल उसने लेके भाग गई है। वो मोबाइल मेरे को दे नहीं रहे। वही पांच शादी का आरोप पहली बीवी खुर्शीदा और आरफा ने शान मोहम्मद पर लगाया है और उनका भी कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद नहीं है, शादी पे शादी करके ये हम लोगों को परेशान कर रहा है। मासूम बच्चों को लेकर आखिर वो कहाँ जाए, उनकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो गई है। सुनिए शान मोहम्मद की दोनों बीवियों ने शान मोहम्मद पर क्या आरोप लगाया। 5 महीने छोड़ हम लोग का गया था तो मेरे मामू हम लोग का राशन पानी मेरे माँ बाप सब मिल हम लोग का दिए दोनों के, तो हम लोग इनके घर पे अगर हम लोग दूसरे घर पे जाते लेने तो दूसरे नहीं, आपके पति के साथ और आपके साथ क्या ऐसा विवाद हुआ था जो आप लोग अलग अलग रहे? वो पांचवी औरत लेके भागा मारिया शाह को, इसके लिए हम लोग ना उसके खिलाफ अर्जी डाले और उसके बाद हम लोग उसको पहला बात किए कि तू आ हम लोग का राशन पानी, लॉकडाउन में हम लोग को छोड़ के गया, 5 बच्चे और 2 औरत और हम दोनों, इसका एक छोटा बेटा और मेरा एक छोटा बेटा बाहर का दूध पीते, दूध वाले से मना कर दिया दूध मत देना। पांचवी औरत को लेके भागने के चक्कर में हम लोग को बहुत सितम ढा रहा है, बहुत ज्यादा मारा पीटा बहुत ज्यादा। अभी परसों के दिन रात में आया शाम को मुझे गया, पूरे फैमिली मिलके घर में मिलके मारे मुझे, मारू हार के और मेरे बाहर कड़ी लगा के चले गए। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2019 11 मार्च को। अच्छा, हाँ, उसका एक बेटा मेरा है सनत खान। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरे शादी 2007 में हुई थी। तो कितनी शादी है वो कर चुका है अब तक? वो शादी 5 का डाला, 2 औरत तो छूट गए हैं। तो बता रहे 3 शादी किया है तो वो झूठ बोल रहा है, 2 तो छूट गए हैं, अभी 3 है यहाँ इसी बिल्डिंग में रहती थी। अब हम भैया हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग जैसे मेरे माँ बाप हमको मिल के सब राशन पानी हमको दिए, मेरे मामू दिए सब, अब हम लोग वही खाएंगे। अब हम लोग दूसरे घर पे जा नहीं सकते हैं तो अब मेरे माँ बाप जब दिए तो मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रहूंगी तो किसके पास जाकर रहूंगी? जैसे वो हम लोग का ऐसा कहना है कि प्रॉपर्टी के वजह से जो है आप लोग उसको छोड़ दिए यहाँ पर चले, ऐसे कुछ नहीं भैया, जितना बोल रहा है आप लोग रह रहे हैं आपके रिश्तेदार, हम लोग रह नहीं रहे, हम लोग आप आए तो हम लोग आए हैं। मतलब ये है कि वो 5 तारीख से 5 महीना हो गया उसको भागे, वो औरत को लेके साथ में भागा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है और वो मोबाइल में ना उल्टा सीधा रिकॉर्ड करता है कहाँ कहाँ क्या करता है, वो हम लोग को इल्जाम देता है। चाचा के घर पे मैं आई, बोली चाचा वो भाग गया औरत लेके, मैं कहाँ जाऊँ राशन पानी के लिए, मेरा बच्चा दूध पीता है। तो चाचा से मैं बोली चाचा मुझे राशन पानी भरा दिए, उसके लिए चाचा के बेटे पे और चाचा पे बोला चल FIR कर चौकी में, इसको भी बोला मुझे भी बोला। आप लोग कंप्लेन वगैरह किए उसके? हाँ, NC डाले हैं, 2 NC डाल चुके हैं। अभी हम लोग को ना डायरेक्टली वो आता है डायरेक्टली मारना शुरू करता है, शादी पे शादी करते ऐसे शादी करता है भाई, जब हम के बारे में जानकारी नहीं, नहीं चोरी से करता है, चोरी से कर लेगा, जब हम लोग जानेंगे तो बोलेंगे तो क्या बोलता, तुम लोग अपने माँ बाप से पैसा जा तुला तभी मैं तुझको रखूंगा, मैं तुझको भी छोड़ दूंगा। पहली बीवी? हाँ, पहली औरत, हमको भी ऐसे बोलता मेरे माँ। पहली औरत आप है तो फिर दूसरी शादी उसने जब किया तो आपको पता नहीं चला? हमको पता नहीं था भाई, 2 साल चोरी करके रखा शादी करके, जब बच्चा पैदा करा तब लाख सामने रखा मेरी ये औरत है, तब हमको मालूम पड़ा। मैं भी जब बोलने लगती थी क्या बोलता था, जब अपने माँ बाप पैसा लाएगी तब मैं तुझको रखूंगा ना तुझको भी छोड़ दूंगा, इसे इसे बीच रोड पर लाएगा छोड़ देगा। एक को वासी में केस किए, वहाँ से छुड़ाए वासी पुलिस चौकी से, एक को मुमरक पुलिस चौकी से छुड़ाए, चौथी औरत मैं हूँ, पांचवी मारिया शाह उसको लेके गायब था, 4 महीने से 5 महीना होने आया। आप लोग फोन उन पे मारने की धमकी उमकी? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, कोई मोबाइल फोन आप ले लिया? ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ बोल रहा है सारा सर, झूठ बोल रहा है। वो हम लोग अभी परसों मारा और हम लोग को ना जान से मारने की धमकी दे रहा है, 2 लाख रुपया से मेरे रूम पे जाके, मेरे 4 रूम है उस रूम बिल्डिंग में, वो फ्लोर पे जाके डायरेक्टली बोला कि ये 2 लाख रुपया जेब में रखा हूँ चौकी में फेंकूंगा, तुम दोनों का मर्डर करके जेल भी नहीं जाऊंगा। जो शाहिद है आप गुंडा के ना, तो शाहिद का उसका कहना है शान का कि आपका शाहिद के साथ कुछ फोटो वगैरह उसके पास है, भाई ऐसी बात थी क्या? भाई भाई एक बात बोलूं, जब ये लॉकडाउन में छोड़ के गया तो हम लोग चाचा के घर पे खाना खाने आते थे, इसके लिए मुझे नीचे फ्लोर पे मारा फोन के जरिए। सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मेरे पास फोन ही नहीं है, मेरे पास फोन ही नहीं है, आप सिबली नगर से मेरा वेरीफाई करवा लो, सिबली नगर से कल्याण फाटे तक कोई बता ही नहीं सकता मेरे पास फोन है, मैं जब उस मेरा आदमी है शान मोहम्मद उससे बात नहीं कर सकती हूँ मैं, किसी फोन नहीं है इसके लिए,
मैं कहाँ जाऊंगी फोन करने? आप लोग इसका कंप्लेंट वगैरह कहाँ पर किए? डायगर चौकी में मेरा एनसी हुआ है, हम दोनों का, दोनों का। बहरहाल ये दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ये मामला पुलिस में भी दर्ज किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।